Good morning, students. This is the first chapter of Politics in India since independence. This is the revision class. We have discussed about this chapter in detail in our live classes. So, students, very quickly, we will discuss about some key points of this chapter, or we can say that crux of this chapter. तो जिन स्टूडेंट्स ने लाइव क्लासेस अटेंड नहीं की हैं वो इस चैप्टर को एक बार अच्छे से सुन के देख के यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ चैप्टर. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द टेबल ऑफ कंटेंट. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट मीनिंग ऑफ नेशन. यू मे हैव रेड अबाउट द टर्म नेशन इन योर क्लास 11th. अनदर इज नेशन बिल्डिंग, व्हाट डज इट मीन. सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड द इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट मीन्स द रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इन द इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स, वेरी स्पेसिफिकली प्रिंसली स्टेट्स. अनदर इज लेगेसी ऑफ पार्टीशन. अब पार्टीशन की लेगेसी क्या रही. इन फॉर्म ऑफ लेगेसी अगर क्वेश्चन आ जाता है, एक 6 मार्क का क्वेश्चन आ गया है ना, वॉट वॉज द लेगेसी ऑफ पार्टीशन. So, your answer will be divided into 3 points. One was challenges of refugee, another was resettlement, and finally was Kashmir issue. Kashmir issue के अलावा हम लोग कुछ और issues के बारे में भी बात करेंगे. Next will be your Nehru's approach to nation building. And finally, we will discuss about political conflicts over language and linguistic organization of state. We have discussed this chapter in detail in our live classes, so I will not going to explain you this in detail. Yes, students, first topic is challenges of nation building. What challenges was the time before us to make our country a developed nation? So, students, basically there were many challenges. But NCERT is covering only 3 challenges, 3 major challenges. One was development. Actually, students, I don't know that you are having knowledge about that time or not. But let me explain that during 1947, our literacy rate was 15%. And female literacy rate was only 2%. ठीक है. इसके अलावा ब्रिटिशर्स जो थे इंडिया को कम्प्लीटली वो एक्सप्लॉइट करके ही गए थे, तो हमारे यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं थे, हमारी पॉलिटिकल कंडीशन, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी. हमारे यहाँ की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी इट वाज अराउंड 35 ईयर्स. लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज अराउंड 35 ईयर्स. मतलब लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में मैं आपको यहाँ डिटेल में नहीं बताने वाली हूँ. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन मेक इट गूगल. अगर आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट है तो क्लास अटेंड करें. लाइव क्लास में हम सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे, यहाँ मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगी. सो डेवलपमेंट वॉज अ मेजर चैलेंज, हाउ टू मेक इंडिया डेवलप्ड. इंडिया को हम लोग कहते हैं कि डेवलप्ड बनाना है. सोने की चिड़िया था, इट वॉज अ गोल्डन बर्ड, तो उसको वापस से गोल्डन बर्ड कैसे बनाया जाए. डेवलपमेंट. अनदर वॉज यूनिटी. वाई यूनिटी. एक्चुअली स्टूडेंट, यूनिटी इसलिए एक बड़ा इशू था क्योंकि पार्टीशन जो हुआ था, पार्टीशन की वजह से कम्युनिटीज़ के बीच में हेट्रिट आने लग गया था. जिस ब्रदरहुड की हम लोग डिमांड करते थे, वो ब्रदरहुड तो आफ्टर पार्टीशन कहीं दिखा ही नहीं. हर जगह हमको दिखा हेट्रिट बिटवीन द कम्युनिटीज़. अब इस हेट्रेड के बीच में इंडिया में जहाँ इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इस डाइवर्सिटी को मेंटेन करना, इसमें ब्रदरहुड को हम लोग कैसे मेंटेन करें, इस डाइवर्सिटी में भी यूनिटी को कैसे हम लोग मेंटेन करें, दिस वॉज अगेन अ मेजर चैलेंज. एंड फाइनली डेमोक्रेसी. व्हाई डेमोक्रेसी वॉज द चैलेंज. अब बात यहाँ पर है कुछ ऐसी कि डेमोक्रेसी वर्ड बड़ा छोटा सा लगता है और हमको लगता है कि हाँ डेमोक्रेसी आ गई, मेंटेन हो जाएगी अपने आप. डेमोक्रेसी नहीं भी रही तो क्या बात है. तो ये सिर्फ कहने की बातें हैं. जैसा कि हम लोग पेंडेमिक वर्ड अभी तक सिर्फ सुनते आए थे, एंड पेंडेमिक वर्ड वॉज ओनली अ पार्ट ऑफ आर डिक्शनरी कि हाँ कभी एग्जाम में पेंडेमिक का मतलब पूछेंगे तो पेंडेमिक का मतलब ये होता है. इट वॉज ओनली अ वर्ड ऑफ डिक्शनरी फॉर अस बिफोर 2 or 3 years.
बट वाट अबाउट नाव, आज हमारे लिए पेंडेमिक हमको डरा देने वाली चीज़ बन गई है। वैसे डेमोक्रेसी हमारे लिए एक डिक्शनरी का वर्ड नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी मीन्स लाइफ स्टाइल, है ना। डेमोक्रेसी जो है हमारे लाइफ का एक पार्ट है एंड इट इज़ एन असेंशियल पार्ट ऑफ आर लाइफ। ठीक है, डेमोक्रेसी की वैल्यू आई नो न मैं समझती थी बचपन में और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप भी नहीं समझते होंगे शायद। सो अगर नहीं समझते हैं तो डोंट बी पैनिक। डेमोक्रेसी क्यों बड़ा इशू था, इस पर हम लोग वापस आते हैं। डेमोक्रेसी इसलिए बड़ा इशू था क्योंकि कई कंट्रीज इंडिया से जो पहले जिनको इंडिपेंडेंस मिली थी दे एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी जस्ट लाइक मैक्सिको। वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मैक्सिको। मैक्सिको गॉट इंडिपेंडेंस इन 1930। अच्छे से सुनना स्टोरी। मैक्सिको गॉट इंडिपेंडेंस इन 1930। मैक्सिको ने डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश की। ठीक है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन्होंने अडॉप्ट किया। अब डेमोक्रेसी में तो होते हैं इलेक्शन। ठीक है, मैक्सिको में टाइम टू टाइम इलेक्शंस भी होने लगे, रेगुलरली इलेक्शन होते थे। इसके अलावा छोटी छोटी दूसरी पार्टीज़ जो हैं उनके पास भी इलेक्शन में इलेक्शन कंटेस्ट करने का राइट हुआ करता था। लेकिन फिर भी मैक्सिको में डेमोक्रेसी नहीं रह पाई इन रियल सेंस। तो डेमोक्रेसी हमको रियल सेंस में एस्टैब्लिश करनी थी इन इंडिया, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिख रखा है उसको इन रियल सेंस, है ना, हमको उसको मेंटेन करना था। ये एक बड़ा इशू था हमारे सामने कि कैसे हम लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन इतना बनाया है, है ना, तो उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करें, ये एक बड़ा इशू था। नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टीशन। अब स्टूडेंट्स, पार्टीशन के बारे में आप सब जानते हैं, मुझे नहीं लगता है कि मुझे पार्टीशन के बारे में आप लोगों को ज़्यादा कुछ बताने की रिक्वायरमेंट है, बट यस स्टिल इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, तो हमको थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा इसके बारे में। एक्चुअली इंडिया वॉज इंटीग्रेटेड, इंडिया कम्प्लीटली इंटीग्रेटेड था, पाकिस्तान भी इंडिया का एक पार्ट था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल का कार्ड प्ले करते हुए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम कम्युनिटी जो थी, मुस्लिम कम्युनिटी, इस मुस्लिम कम्युनिटी का ब्रेन वॉश करना स्टार्ट कर दिया और उनको अगेंस्ट हिंदू कम्युनिटी कुछ प्रोवोक करना स्टार्ट कर दिया कि देखो हिंदू कम्युनिटी जो है डिस्क्रिमिनेट करती है, वो आपको अपना नहीं मानती है, और क्योंकि हिंदू कम्युनिटी आपको अपना नहीं मानती है सो मेक अ सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम्स ऑल्सो। ये ब्रेन वॉश करना स्टार्ट कर दिया था ब्रिटिशर्स ने इन द 18th सेंचुरी में स्टार्ट कर दिया था। सैयद अहमद खान जो थे वो धीरे धीरे करके वो भी इसके इन्फ्लुएंस में आते गए। सैयद अहमद खान कौन है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। हु वॉज सैयद अहमद खान एंड विच यूनिवर्सिटी, विच फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय सैयद अहमद खान, यू हैव टू मेंशन दैट इन कमेंट बॉक्स। सो धीरे धीरे करके मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो भी ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस में आ गई और फाइनली इन द ईयर ऑफ 1940 मोहम्मद अली जिन्ना MAJ, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं उन्होंने फॉर्मली ब्रिटिशर्स के सामने, देखो डिमांड तो पहले भी थी लेकिन फॉर्मली ब्रिटिशर्स के सामने कोई डिमांड रखना वो काम किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इन द ईयर 1940 ब्रिटिशर्स के सामने डिमांड रखी फॉर अ सेपरेट नेशन और इस चीज़ को कहा गया टू नेशन थियरी। टू नेशन थियरी का मतलब क्या होता है, देयर विल बी टू नेशंस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, वन विल बी पाकिस्तान अनदर विल बी इंडिया। तो ये तो था पार्टीशन। अब पार्टीशन के आउटकम्स के बारे में हम लोग जैसे डिस्कस करें, देन वन वॉज डिस्प्लेसमेंट एंड अनदर वॉज रिहैबिलिटेशन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट देयर विल बी अकॉर्डिंग टू द टू नेशन थियरी देयर विल बी टू स्टेट्स, वन विल बी पाकिस्तान अनदर विल बी इंडिया। तो हुआ ये कि पाकिस्तान विल बी ऑफ मुस्लिम्स, ठीक है, एंड इंडिया विल बी ऑफ इंडियंस। ये एक कह सकते हैं दैट वॉज अ मिथ, ऐसा था नहीं, लेकिन कुछ लीडर्स ने इसको और ज़्यादा प्रमोट किया तो लोगों ने समझना शुरू कर दिया। इट वॉज नॉट अ रियलिटी, है ना, लेकिन लोगों ने समझना शुरू किया, हाइपोथेटिकली वी आर लिविंग इन पाकिस्तान एंड वी ऑल आर हिंदू, ठीक है। तो लोगों ने, कई सारी ऐसी अफवाहें उड़ती हैं ना,
है ना, तो लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि जो हिंदू लोग हैं वो तो इंडिया में चले जाएंगे और इंडिया से जो मुस्लिम हैं वो पाकिस्तान में आ जाएंगे। ऐसा गवर्नमेंट ने कोई रूल बनाया है, इट वॉज़ नॉट अ रियलिटी, ये रियलिटी नहीं थी, लेकिन लोगों ने यूं ही एक रूमर फैला दिया। अब लोगों ने जैसे ही रूमर फैलाया तो होने लगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि जो पाकिस्तान है वहाँ से हिंदू कम्युनिटी जो है वो इंडिया आने लगी, और इंडिया से जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो पाकिस्तान जाने लगी। तो इसको हमने क्या कहा, डिस्प्लेसमेंट, है ना। पाकिस्तान से हिंदू आने लगे और इंडिया से मुस्लिम जाने लगे। और एक पिक्चर यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर किया है, दैट इज़ अ ट्रेन फुल ऑफ रेफ्यूजी इन 1947। दिस इज़ नोन एज रेफ्यूजी क्राइसिस, कि रेफ्यूजीज कैसे ट्रेन्स में यहाँ पे आ रहे हैं। अनदर वॉज रिहैबिलिटेशन, ठीक है, अब लोग जो है इस रूमर के इन्फ्लुएंस में तो आ गए, लोग इस रूमर के इन्फ्लुएंस में तो आ गए, एंड दे लेफ्ट देयर नेटिव टाउन, दे लेफ्ट देयर नेटिव टाउन, उन्होंने छोड़ दिया अपना अपना घर, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी वहाँ छोड़ दी। तो अब लोग आ तो गए, मान लो कि पाकिस्तान से जो हिंदू कम्युनिटी है, वो इंडिया में आ गई, आ तो गई, इंडिया में रहेगी कहाँ पे, हमारे पास जगह थोड़ी है, हमारे पास तो ऐसे रिसोर्सेस ही अवेलेबल नहीं थे। तो उनका रिहैबिलिटेशन हमारे लिए दूसरा चैलेंज बन गया। और रिहैबिलिटेशन कैसे किया हम लोगों ने, रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है कि जो भी डिस्प्लेस्ड लोग हैं, जिनके पास अपना घर नहीं है, जिनके पास अपनी कोई जगह नहीं है रहने की, हम उनको एक अकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे, है ना, वी विल प्रोवाइड देम अकोमोडेशन और वी विल अकोमोडेट देम। तो इसको कहते हैं रिहैबिलिटेशन। लेकिन हमारे पास इंडिया में तो जगह नहीं थी, हम क्या करते इनका, तो फिर क्या हुआ ना, दिल्ली में बनाए गए कैंप्स, दिल्ली में कैंप्स बनाए गए, एंड दीज कैंप्स आर नोन एज रेफ्यूजी कैंप्स। और माना जाता है कि दिल्ली में कई कैंप्स आज भी ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, रेफ्यूजी कैंप्स, जहाँ पर जो लोग 1947 में पाकिस्तान से माइग्रेट होके इंडिया में आए थे, उन लोगों को आज भी अपना घर नहीं मिला है, एंड दे आर स्टिल लिविंग इन दीज रेफ्यूजी कैंप्स। कभी मन करे तो गूगल पे सर्च करके देखना, रेफ्यूजी कैंप्स 1947 इंडिया दिल्ली, आपको आराम से मिल जाएगा उसमें इमेजेस में कि कैसे रेफ्यूजी कैंप्स में ये लोग आज भी, ये लोग तो ज़िंदा नहीं है लेकिन हाँ उनके सक्सेसर्स तो हैं, वो आज ऐसे ही रह रहे हैं। पार्टीशन का प्रोसेस क्या था, इसको लेकर डिस्कस करें, तो पार्टीशन का प्रोसेस डिक्लेयर कब हुआ था, ऑन 3 जून 1947 माउंटबेटन डिक्लेयर्ड अ प्लान, ऑन 3 जून 1947 माउंटबेटन हु वाज वाइसराय ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड अ प्लान फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, उन्होंने दो प्लान बताए थे कि कैसे प्रोसेस रहेगा, वन वाज रिलीजन, अनदर वाज विल। तो इंडिया में जो ब्रिटिश स्टेट्स थे, ब्रिटिश स्टेट्स टोटल 292 प्लस 4 ब्रिटिश स्टेट्स वर देयर, उनको तो कहा दैट दीज विल बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ठीक है, इसके अलावा 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, जिसको कहते हैं ना राजा महाराजा वाले रियासतें, तो 565 जो थी, दीज वर प्रिंसली स्टेट्स, पीएस प्रिंसली स्टेट्स, इनको कहा गया दैट प्रिंसली स्टेट्स मे मर्ज देयर स्टेट विद इंडिया, विद पाकिस्तान, और दे कैन बी इंडिपेंडेंट ऑल्सो, दे कैन स्टे इंडिपेंडेंट ऑल्सो। तो प्रिंसली स्टेट्स जो थे देवर हैविंग 3 choices, लेकिन जो ये ब्रिटिश स्टेट्स थे इनके पास कोई चॉइस नहीं था, दे हैव टू डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो ये पार्टीशन का प्रोसेस रहा था। माइनॉरिटी की प्रॉब्लम कैसे आने लग गई, माइनॉरिटी की प्रॉब्लम ऐसे आने लग गई, पाकिस्तानी एरिया जहाँ पे हिंदू कम्युनिटी माइनॉरिटी में थी, वो इन रूमर्स के कारण क्या हुआ कि ये माइग्रेट करके आने लगी इंडिया में। ठीक है, इंडिया में माइग्रेट करके आने लगी, तो पहली बात तो उनको अपनी प्रॉपर्टी वहाँ छोड़ के आनी पड़ी, फर्स्ट पॉइंट। इसके अलावा माइनॉरिटीज़ को कई जगह तो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स जो थे
from both sides. I am not talking about Pakistan only, from both sides, from India and as well as in Pakistan also. दोनों जगह से माइनॉरिटीज को थ्रेट दिया जा रहा था, लाइफ थ्रेट दिया जा रहा था कि आप अपने कंट्री में चले जाओ. इफ़ यू आर अ हिंदू देन गो टू इंडिया एंड इफ़ यू आर अ मुस्लिम देन गो टू पाकिस्तान. उनको ऐसे थ्रेट्स मिल रहे थे कि अगर आपने नहीं छोड़ा तो हम आपको मार देंगे, हम आपको वहाँ भगा देंगे. और ऐसी जो ट्रेन्स थी, जो लोग नहीं जा रहे थे ज़बरदस्त, जो लोग नहीं जाना चाहते थे, जो अपने नेटिव लैंड को नहीं छोड़ना चाह रहे थे, पैटर्नल हाउस को नहीं छोड़ना चाह रहे थे, उनको मार मार के ऐसे ट्रेन्स के थ्रू उन्होंने पहुंचाया. ठीक है, और ये मैं कुछ भी आपको हाइपोथेटिकली नहीं बता रही हूँ या फिर मन से कुछ नहीं कह रही हूँ. इफ़ यू वांट टू रीड अबाउट इट देन यू कैन सर्च ऑन गूगल एंड यूट्यूब ऑल्सो. यू कैन रीड द नॉवेल ऑफ खुशवंत सिंह. नेम ऑफ दैट नॉवेल इज़ ट्रेन टू पाकिस्तान. यस, ट्रेन टू पाकिस्तान. तो माइनॉरिटीज़ के ऊपर तो अटैक होने लगे थे बहुत ज़्यादा. अब फाइनली रिज़ल्ट क्या रहा पार्टीशन का? रिज़ल्ट ये रहा कि अराउंड एट मिलियन लोग जो थे उनकी प्रॉपर्टी गई, उनको प्रॉपर्टी का लॉस था. ठीक है, अराउंड 8 मिलियन पीपल सफर्ड फ्रॉम द लॉस ऑफ प्रॉपर्टी. क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, आपका घर वहाँ पे है, आप लिक्विड मनी जो कैश होगा वो तो लिया होगे, घर कहाँ सिर पे लेके घूमेंगे क्या, उसमें तो व्हील्स भी नहीं होते. तो ऐसे करके अराउंड 8 मिलियन लोग जो हैं उनको प्रॉपर्टी का लॉस हुआ. 1 मिलियन, 1 मिलियन में कितने होते हैं, मीन्स 10 लाख, 10 लाख लोगों की जान गई इन पूरे के पूरे राइट्स में. एंड द रीज़न ऑफ दीज राइट्स वर द पार्टीशन ऑफ इंडिया. आफ्टर मैथ ऑफ पार्टीशन वॉज द मार्टियर ऑफ गांधी. आफ्टर मैथ क्या रहा पार्टीशन का? द मार्टियर ऑफ गांधी. क्योंकि वायलेंस इरप्ट हो चुका था, ट्रिमेंडस वायलेंस वॉज इरप्टेड इन इंडिया एंड एज वेल एज इन पाकिस्तान ऑल्सो. तो गांधी ने क्या किया, गांधी इस वायलेंस को रोकने के लिए उन्होंने सोचा कि मैं पूरे कंट्री में घूमूंगा और सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कम्युनल फ्रेटर्निटी है, ब्रदरहुड है बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटी, उन दोनों के बीच में ब्रदरहुड मेंटेन करूं. ये गांधी का मोटिव था. गांधी वेंट टू बंगाल, नोआखली रीजन है वो वाला, आप देख सकते हैं पिक्चर आपकी बुक में अवेलेबल है. गांधी वेंट टू बंगाल, वेरी स्पेसिफिकली एट नोआखली. नोआखली में बहुत ज़्यादा वायलेंस नोआखली में इरप्ट हुआ था, इसलिए गांधी ने सबसे पहले चूज़ किया कि मैं नोआखली जाऊँगा. गांधी वेंट देयर और गांधी ने वहाँ पे अपनी वेरियस प्रेयर असेंबलीज करके, रिलीजियस असेंबलीज करके, गांधी ने वहाँ जो वायलेंस थी उस वायलेंस को काफ़ी लिमिट तक कंट्रोल किया, कंटेन कर लिया उसको. ठीक है, कंटेन भी नहीं, कंट्रोल कर लिया. अब नोआखली के बाद गांधी वापस जाने लगे लाहौर. ठीक है, गांधी लाहौर जाने लगे. तो लाहौर वाया दिल्ली जा रहे थे गांधी, वाया दिल्ली जा रहे थे गांधी लाहौर. तो दिल्ली में रुके और दिल्ली में गांधी क्या देखते हैं, गांधी सीन कि मैं लाहौर तो जा रहा हूँ पाकिस्तानियों को समझाने कि तुम हिंदूज के साथ अट्रॉसिटीज़ मत करो. हिंदूज क्या कर रहे हैं मुस्लिम्स के साथ, दे आर डूइंग सेम विद द मुस्लिम माइनॉरिटीज़. तो गांधी ने सोचा नहीं, पहले मैं दिल्ली में अब जो ये रिलीजियस वायलेंस है उसको रोकूंगा, जो कम्युनल वायलेंस है मैं उसको रोकूंगा. और वापस वही ट्रिक गांधी ने अपनाई विच ही यूज्ड इन एट नोआखली. तो गांधी ने वापस रिलीजियस असेंबलीज करना स्टार्ट कर दी इन दिल्ली. और गांधी को ने सोचा कि जैसे ही दिल्ली में भी ये वायलेंस स्टॉप हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा, फिर मैं लाहौर जाऊंगा और पाकिस्तानियों को कहूंगा कि हिंदुओं को मत मारो, है ना, उनके साथ अट्रॉसिटीज़ मत करो. लेकिन गांधी दिल्ली में ही फिर हंगर स्ट्राइक पे बैठे. तो इवेंचुअली ऑन 13th January 1948 गांधी का हो गया असासिनेशन बाय विनायक नाथुराम गोडसे. नाथुराम गोडसे नाम का एक यंगस्टर था, उसने गांधी को शूट कर दिया. ही ट्राइड टू असासिनेट गांधी विद द बॉम्बिंग ऑल्सो ऑन 20th January 1948. जो हम लोगों में से बहुत कम को मालूम रहता है कि गांधी को 20th January 1948 को भी मारने की कोशिश की थी, गांधी के ऊपर बॉम्बिंग हुई थी. लकीली बच गए गांधी. बट आफ्टर 10 डेज गांधी को फिर शूट किया
विनायक नाथुराम गोडसे ने। नाथुराम गोडसे ने जैसे ही गांधी को शूट किया, गांधी की डेथ हुई, और गांधी की डेथ हुई तो पूरे कंट्री में एक सन्नाटा छा गया, एक साइलेंस आ गई पूरे कंट्री में, ये क्या हो गया। बिकॉज ही वॉज फादर ऑफ द नेशन। अब फादर ऑफ नेशन की अगर डेथ होती है तो वी कैन एक्सपेक्ट कि क्या उसके रिजल्ट्स होने थे। कम्युनल वायलेंस रुक गया कैरिस्मेटिकली। जो लोग कल की डेट में इतना लड़ रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे, वो कम्युनल वायलेंस सडनली रुक गया, पहली बात। अनदर वॉज कि जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थे, जस्ट लाइक आरएसएस, हिंदू महासभा, जो भी एक्सट्रीमिस्ट थे फ्रॉम बोथ कम्युनिटीज, हिंदूज एंड मुस्लिम्स, दोनों के दोनों को बैन कर दिया, बोथ वर बैंड। ठीक है, तो ये आफ्टरमैथ रही पार्टीशन की। आगे बढ़ते हैं, इंडिया की यूनिफिकेशन का प्रोसेस क्या था। एक्चुअली स्टूडेंट्स, इन दिस मैप यू कैन सी, ये मैप जो आप देख रहे हैं है ना, इंडिया में ये जो आपको लाइट ब्लू कलर दिख रहा है, फिर स्काई ब्लू कलर आपको दिख रहा है, दीज आर द प्रिंसली स्टेट्स। मैंने आपको बताया था द नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वर 565। ठीक है, ये प्रिंसली स्टेट्स जो कि आपको लाइट ब्लू कलर में दिख रहे हैं, दीज वर 565। अभी ये आपको क्या बड़े बड़े दिख रहे हैं, इसलिए लग रहा होगा 565 तो नहीं है, बट यस स्टूडेंट्स, दीज वर 565। इवन 19 तो राजस्थान में थे, राजस्थान में 19 प्रिंसली स्टेट्स थे। ठीक है, तो प्रिंसली स्टेट्स जो थी, जो आपको लाइट ब्लू में दिख रहा है, दीज आर द प्रिंसली स्टेट्स विच वर 565। और जो आपको ये गोल्डन कलर में दिख रहा है, दीज आर द ब्रिटिश स्टेट्स, और इसके अलावा ब्रिटिश स्टेट्स के अलावा चीफ कमिश्नर स्टेट, टोटल नंबर ऑफ बोथ दीज वर 296। इंडिया इतना डिवाइडेड था है ना, इंडिया में डाइवर्सिटी, इंडिया का डिवीज़न इतना ज़्यादा था। अब क्योंकि पार्टीशन हो गया तो ये वाला पार्ट जहाँ पे, सॉरी वेट अ मिनट, दिस पार्ट, ये वाला पार्ट जो मैंने मार्क किया है, ये कहलाया आपका पाकिस्तान, ये पाकिस्तान कहलाया, दिस वॉज अगेन अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो मैंने दो रीजन यहाँ मार्क किए हैं, दोनों के दोनों पाकिस्तान कहलाए। अब इंडिया को हमको अगर हम यूं ही छोड़ देंगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, इसलिए काम करते हैं, जो भी प्रिंसली स्टेट्स हैं जो आपको यहाँ पे स्काई ब्लू कलर में दिख रहे हैं, इनको हमारी गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट मीन्स पटेल, नेहरू, अम्बेडकर, वीपी मेनन है ना, और एक बहुत मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है ऑफ सर माउंटबेटन, दे ऑल रिक्वेस्टेड द प्रिंसली स्टेट्स टू मर्ज देयर सेल्फ विद द यूनियन ऑफ इंडिया, एंड आर गवर्नमेंट मेड अप अ फॉर्मेट फॉर दैट मर्जर, एंड इट वॉज नोन एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, तो आपके पास आंसर होना चाहिए दैट इट वॉज अ फॉर्मेट फॉर द मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स विद इन द यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसलिए हमने मर्जर के लिए, अब प्रोसेस क्या रहा था इसका, प्रोसेस रहा था बाय हुक बाय क्रुक। अगर कोई कंट्री इन द सेंस, अगर कोई प्रिंसली स्टेट जो है इंडिया के साथ मर्ज होना चाहता है, हाँ, सो स्टूडेंट्स, अगर कोई प्रिंसली स्टेट मना कर रहा है कि मैं इंडिया के साथ मर्ज नहीं करूँगा, तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट जो थी, हमारी यूनियन गवर्नमेंट, वेरी स्पेसिफिकली पटेल जो थे, वो बहुत ज़्यादा रिजिड थे, और पटेल ने बाय हुक बाय क्रुक जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको इंडिया में मर्ज करवाने के लिए एफर्ट्स किए, और पटेल का ही कॉन्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे कि आज की डेट में जो ये पहला जो इंडिया था वो इतना डिवाइडेड था। ठीक है, ये इतना डिवाइडेड था इंडिया, वो आज की डेट में आपको यूनिफाइड दिखेगा, इसमें पटेल का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो रिमार्केबल है। जस्ट लाइक जम्मू एंड कश्मीर ने मना कर दिया कि हम इंडिया के साथ मर्ज नहीं करेंगे, तो पटेल ने वेरी डिप्लोमेटिकली जम्मू और कश्मीर पर जब पाकिस्तान ने अटैक किया तो पटेल ने मना किया कि हम जम्मू और कश्मीर को सिक्योर नहीं करेंगे, हम उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे, मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे। हालांकि पटेल ऐसा चाहते नहीं थे, लेकिन हाँ, जम्मू कश्मीर के जो रूलर थे महाराजा हरि सिंह, उनको सबक सिखाना था, और क्योंकि उनको सबक सिखाना था तो ये करना भी ज़रूरी था। अनदर केस वॉज ऑफ जूनागढ़।
अब जूनागढ़ कहाँ है थोड़ा मैप जूम करके दिखाऊँ मैं आपको स्टूडेंट्स, दिस इज गुजरात है, और गुजरात का ये वाली लोकेशन जो आप देखेंगे दिस इज जूनागढ़। ठीक है, जूनागढ़ चाहता था कि मैं पाकिस्तान के साथ मर्ज हो जाऊँ। अब पाकिस्तान के साथ मर्ज हो जाएगा तो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट रहेगा। इस वजह से पटेल ने क्या किया ना, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट को चारों ओर से ब्लॉक कर दिया, अपनी मिलिट्री को भेजा और मिलिट्री को कहा जूनागढ़ को चारों ओर से घेर लो, और घेर लो और फिर क्या, ऐसे करके जूनागढ़ हमारे पास आ गया। व्हाट अबाउट हैदराबाद? हैदराबाद में क्या था ना कि रिलीजियस अट्रॉसिटीज़ हो रही थी ऑन द मेजॉरिटी रिलीजन हिंदू। हैदराबाद के जो रूलर थे ही वॉज मुस्लिम निज़ाम थे वो, ठीक है, हैदराबाद के रूलर को वहाँ कहा जाता था निज़ाम, ही वॉज मुस्लिम। वहाँ की मेजॉरिटी जो थी वो हिंदू थी, लेकिन ये मुस्लिम जो थे हिंदूज़ के ऊपर अट्रॉसिटीज़ कर रहे थे। तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मिलिट्री मिशन चलाया, दैट वॉज ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो चला के हमने हैदराबाद को मर्ज करवाया विद इन इंडिया। तो ये हमने कुछ प्रोसेसेस अपनाई थी फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। अब गवर्नमेंट का व्यू कैसा था या फिर अप्रोच ऑफ गवर्नमेंट क्या था? गवर्नमेंट का अप्रोच, टू अप्रोचेज वर देयर, वन वॉज फ्लेक्सिबल, अनदर वॉज रिजिड। ठीक है, फ्लेक्सिबल की अगर हम लोग बात करके देखें ना, तो जहाँ स्टेट्स ने कुछ डिमांड की थी कि हमको कुछ ऑटोनॉमी चाहिए, कुछ पैसा चाहिए, कुछ स्पेशल राइट्स चाहिए, मींस प्रिविलेजेस चाहिए, तो गवर्नमेंट हमारी पटेल ने कहा था कि चलो कोई बात नहीं है, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, हाँ सॉरी फॉर इंटरप्शन, सो जहाँ पे स्टेट्स डिमांड कर रहे थे कि हमको ऑटोनॉमी चाहिए, दे नीडेड सम प्रिविलेजेस, हमने वहाँ उनको ओके कर दिया। जस्ट लाइक जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर ने कहा कि उनको कुछ प्रिविलेजेस चाहिए, तो हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल ऐड किया, दैट वाज आर्टिकल 370। वन मोर आर्टिकल वाज एडेड इन आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट वाज आर्टिकल 35A। हमने दो आर्टिकल ऐड किए और दोनों आर्टिकल के थ्रू हमने जम्मू कश्मीर को ऑटोनॉमी और स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया। यहाँ पे तो गवर्नमेंट का अप्रोच जो था ना, इट वॉज फ्लेक्सिबल, लेकिन जहाँ पे भी इन प्रिंसली स्टेट्स ने कहीं पे दादागिरी दिखाने की कोशिश की कि नहीं हमको थोड़ा सी सेपरेट होना है, वी नीड इंडिपेंडेंस, वहाँ पे हमने चाहे ऑपरेशन पोलो चलाया जूनागढ़ के लिए, सॉरी ऑपरेशन पोलो चलाया फॉर हैदराबाद, जूनागढ़ को ब्लॉक करने की बात हो, हमने सारे मीन्स एंड मोड्स यूज़ किए। अब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स में क्या था ना कि हमने इंडिया को मर्ज कर लिया, इंडिया का यूनिफिकेशन हो गया, लेकिन यस लेट मी शो यू द मैप। ये स्टूडेंट्स, इन दिस मैप वी कैन सी द ऑर्गेनाइज्ड रीऑर्गेनाइज्ड इंडिया। एक्चुअली रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो आप यूँ समझें कि पहले इंडिया जो था उसका यूनिफिकेशन तो हो गया, लेकिन हमने बहुत बड़े बड़े स्टेट बनाए। बड़े बड़े स्टेट का मतलब ये कि गुजरात और महाराष्ट्र बोथ वर यूनाइटेड टिल 1960 एंड इट वॉज नोन एज बॉम्बे स्टेट। बॉम्बे जो था पुराना नाम था, बॉम्बे नाम का एक स्टेट रहा करता था, ठीक है, टिल 1960। और बॉम्बे स्टेट में गुजरात भी आता था और महाराष्ट्र भी आता था। इतने बड़े बड़े स्टेट हमने बना रखे थे, तो स्टेट्स को जो सिविलियंस थे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती थी, रूटीन वर्क से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम आती थी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी थी। तो क्या हुआ ना कि जो वेरियस स्टेट्स हैं वहाँ पे जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने डिमांड करना स्टार्ट कर दी फॉर बाइफर्केशन ऑफ द स्टेट, कि ठीक है इतना बड़ा स्टेट क्यों बना रखा है, वी द सिविलियंस फेस प्रॉब्लम। तो उन्होंने डिमांड की कि हमारा सेपरेशन किया जाए, तो बॉम्बे सेपरेट हुआ इन 1960। फिर पंजाब ने भी डिमांड स्टार्ट की कि हमको भी डिवाइड करो, पंजाब जो पंजाबी लैंग्वेज बोलने वाले हैं उनको पंजाब में भेजो, जो हरियाणवी बोलने वाले या फिर हिंदी बोलने वाले उनके लिए एक अलग स्टेट बनाओ, दैट विल बी हरियाणा। तो ऐसी उन्होंने डिमांड की फॉर द बायफर्केशन ऑफ स्टेट्स, फॉर द सेपरेट स्टेट, ऐसी डिमांड्स उनकी स्टार्ट हुई। और फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही वायलेंस के बाद, बहुत ही अनविलिंगली इंडियन गवर्नमेंट ने 1960 में 1956 में
हमारे इंडिया का रीऑर्गेनाइजेशन किया और 1961 में आप देखेंगे कि इंडिया का मैप कैसा दिखता है। इंडिया शुरू से ऐसा नहीं दिखता था। दिस वॉज अ सिंगल स्टेट, ये पूरा एक सिंगल स्टेट था। मैसूर जो है आज की डेट में उसको कर्नाटका कहते हैं, ठीक है, तो ऐसा था। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि दिस वॉज अ सिंगल स्टेट, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु वॉज अ सिंगल स्टेट। आंध्र और तमिलनाडु दोनों एक थे पहले, लेकिन आंध्र प्रदेश में भी वायलेंस हुआ, डिमांड उठी फॉर अ सेपरेट स्टेट, तो फाइनली जाके 1953 में एक आंध्र नाम का स्टेट बना। अर्लियर इट वॉज अ पार्ट ऑफ मद्रास, मद्रास मीन्स तमिलनाडु। 1961 में जाके हमारे 1961 में जाके ये पिक्चर आपको दिखेगा ऑफ इंडिया। सो स्टूडेंट्स, फाइनल पॉइंट इज रोल ऑफ पटेल। पटेल के रोल को अगर हम लोग डिस्कस करें तो मालूम पड़ेगा कि अगर पटेल नहीं होते तो इंडिया आज जितना यूनाइटेड है वो उतना यूनाइटेड में भी नहीं रहता, बिकॉज पटेल यूज्ड ऑल द टैक्टिक्स फॉर द मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इन द यूनियन ऑफ इंडिया। जहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर को कुछ रिलैक्सेशन की उन्होंने डिमांड की, वहाँ पे ठीक है उन्होंने रिलैक्सेशन दिया। हैदराबाद में अगर ऑपरेशन पोलो चलाना था तो ऑपरेशन पोलो हैदराबाद में चलाया। जूनागढ़ को अगर ब्लॉक करने की बात भी आई तो जूनागढ़ को ब्लॉक भी किया। पटेल ने कोई भी मीन्स नहीं देखे, इस वजह से पटेल का जो रोल है दैट इज़ रिमार्केबल। अनदर पॉइंट इज नेहरू का अप्रोच कैसा था, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द गवर्नमेंट्स अप्रोच। नेहरू जो थे वो इंडिया में जो डाइवर्सिटी है उसको मेंटेन करना चाहते थे और चाहते थे कि मुस्लिम्स जो हैं इंडिया से माइग्रेट नहीं करें, और नेहरू इंडिया को एक डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक रोल मॉडल बनाना चाहते थे कि लोग कहें कि देखो इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है, स्टिल दे आर यूनाइटेड। फाइनली पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट की अगर हम लोग बात करें, देन एज आई डिस्कस्ड विद यू इन प्रीवियस क्लासेस, तो लैंग्वेज को लेकर डिमांड बहुत ज़्यादा उठी थी कि हमको सेपरेशन चाहिए या फिर बाइफर्केशन चाहिए ऑफ द स्टेट। इसको लेकर एक बहुत ही बर्निंग प्रोटेस्ट हुए थे इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, मॉडर्न डे आंध्र प्रदेश। 1952 में क्या हुआ था ना कि आंध्र स्टेट की डिमांड को लेकर एक गांधीयन पॉलिटिकल लीडर थे ऑफ आंध्र प्रदेश ऑफ मद्रास, तो उन्होंने क्या किया ना, एक गांधीयन लीडर, ही वॉज पट्टी श्री रामुलु, नेम आपकी बुक में मेंशन भी है, लेकिन हाँ पट्टी श्री रामुलु जो हैं वो हंगर स्ट्राइक पे चले गए और ही स्टार्टेड टू डिमांड फॉर अ सेपरेट आंध्र प्रदेश और द सेपरेट आंध्र स्टेट। जैसे ही पट्टी श्री रामुलु हु वॉज ऑन हंगर स्ट्राइक दैट टाइम, अराउंड 56 डेज तक पट्टी श्री रामुलु जो हैं हंगर स्ट्राइक पे बैठे कि मुझे हंगर स्ट्राइक पे रहना है, जब तक आंध्र नाम का एक सेपरेट स्टेट नहीं बनता है तब तक वो हंगर स्ट्राइक पे रहेंगे। वो हंगर स्ट्राइक पे रहे, ड्यूरिंग दिस हंगर स्ट्राइक उनकी डेथ हो गई, और जैसे ही डेथ हुई वैसे ही आंध्र प्रदेश में वायलेंस इरप्ट हो गया और फाइनली गवर्नमेंट को इनकी जो डिमांड्स थी आफ्टर हिज डेथ माननी पड़ी। तो लिंग्विस्टिक बेस पर डिवीज़न हुआ ऑफ मद्रास। थोड़े ही टाइम के बाद डिमांड उठी कि क्यों ना जो बॉम्बे स्टेट था, देर वर टू पार्ट्स ऑफ बॉम्बे स्टेट, वन वॉज गुजराती स्पीकर एंड अनदर वॉज मराठी स्पीकर, तो बॉम्बे स्टेट ने भी डिमांड रेज कर दी कि उनको भी सेपरेट स्टेट बनाना है अपना। गुजराती स्पीकर्स के लिए गुजरात स्टेट होगा एंड फॉर द मराठी स्पीकर्स देर विल बी अ सेपरेट स्टेट विद द नेम ऑफ महाराष्ट्र, उन्होंने स्टार्ट कर दी डिमांड। पंजाब ने डिमांड स्टार्ट कर दी सेपरेट स्टेट की, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, जो पंजाबी स्पीकर हैं उनके लिए पंजाब नाम का एक स्टेट बनाया जाना चाहिए, जो हिंदी स्पीकर्स हैं उनके लिए हरियाणा नाम का स्टेट बनाया जाना चाहिए, और जो माउंटेनियस लैंग्वेजेस और रहती हैं, जो माउंटेनियस रीजन के जो लोग हैं उनके लिए हिमाचल प्रदेश नाम का स्टेट होना चाहिए, ये डिमांड भी रेज हुई थी।
ये सारी डिमांड जो है 1950s और 60s के टाइम पर रेस हुई थी, और 2014 में लेटेस्ट हमारा कौन सा स्टेट बना है, यू विल आंसर दैट इन कमेंट बॉक्स. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड वी हैव क्विकली रिवाइज्ड दिस चैप्टर. वी हैव सीन ऑल द की पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर. आगे से कोशिश करें कि लाइव क्लास अटेंड कर पाएँ ताकि और डिटेल में आप लेसन्स को पढ़ पाएँ, टॉपिक्स को अच्छे से डिस्कस कर पाएँ. ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय एंड